रीवा की टमस नदी में आई बाढ़ में पेड़ पर फंसे 7 लोगों को बचा लिया गया है। ये लोग करीब 24 घंटे तक पेड़ पर फंसे रहे। नदी की धारा काफी तेज होने की वजह से नाव के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सेना से मदद मांगी गई। बाद में 4 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि बाकी 3 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने सतना को जलमग्न कर दिया है। बाढ़ से निपटने के लिए पूरे जिले को सेना के हवाले कर दिया गया है। मदद के लिए पहुंची सेना के जवानों को देखकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अब तक 500 मकान ध्वस्त हो चुके हैं, करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। धार में CMHO के दफ्तर में खूब हंगामा हुआ। जननी एक्सप्रेस चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने 10 महीने से भुगतान नहीं होने से नाराज होकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के तिलवारा पुल से कूदकर जान देने की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में युवती कुछ देर तक पुल की रेलिंग पर बैठी हुई नजर आती है। जैसे ही राहगीर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो नदी में छलांग लगा देती है। गोताखोरों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। जबलपुर में बरसात की रात दूल्हे के लिए यादगार बन गई। बारात में शामिल सभी लोग गाड़ियों में बैठ गए। दूल्हा बग्घी में अकेला रह गया। बारिश से बचने के लिए उसे छाता लगाना पड़ा, लेकिन तेज बौछारें उसे बार बार भिगो रही थीं। अंत में पैर ऊपर कर बग्घी पर बैठकर उसे दुल्हन के घर तक पहुंचना पड़ा।